विपक्ष के लोग कहते हैं कि राम नाम का कोई चीज नहीं है। मैं इतने कहूंगा कि प्रभु राम के हाथ बाल सखा थे निषाद राज, अगर त्रेता में उन्होंने गले लगाया था तो इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी ने सीने पर एक मस्जिद बनी हुई है। जिस तरीके से अयोध्या में मस्जिद हटी है, सरकार से अपील करूंगा कि वहां से भी हटवाएं। मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा इस बात का कि केंद्र सरकार के 60% सब्सिडी आती है, 40% हमारी राज्य सरकार देती है। 2014 में ब्लू रिजर्वेशन बना था, 2017 तक विपक्ष की सरकार थी तो कोई पैसा नहीं मत्स्य विभाग को दिया गया था। 2017 से लेकर अब तक का 2023 तक का जितना भी दिल्ली से आता 60%, 40% हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा देकर इस मछुआ समुदाय को इस मत्स्य क्षेत्र में पैसा देने का काम किया। उसके आधार पर हम मत्स्य के उत्पादन में एक नंबर अप आए हैं। आज के दिन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 41 मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि मत्स्य क्षेत्र में बहुत ढेर सारी अपार संभावनाएं हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कोट किया था अपने भाषण में पिछली सरकारें मत्स्य पालन को मत्स्य क्षेत्र मछुआरों का पशुपालन के जो दुग्ध उत्पादन थे इनका नाम लेना तक हमारा नहीं समझती थी और हमारी सरकार इनको स्पेशल बजट देकर इन्हें आगे करने का काम कर रही है, इसलिए अपनी सरकार को बधाई देता हूँ। इतने कहूँगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो है महिलाओं को और SC को 60% सब्सिडी है, पुरुष को 40 है। मुख्यमंत्री संपदा योजना में मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि पहले 70 साल से जितने भी पट्टे धारक थे उन्हें जब पट्टे मिलते थे तो सरकार को हमारे लोगों को देना पड़ता था। पहली बार है कि ऐसे गरीब पट्टे धारक जो BPL और अंत्योदय में हैं और जो पट्टे धारक हैं उन्हें 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपये में 15 करोड़ रुपया अभी इस बार मछुआरों को दिया है इस साल के बजट में और उनको हम लोगों ने संतुष्ट किया है। निषाद राज वोट योजना के माध्यम से हमारे पास अभी 12 करोड़ रुपया आया, हमने इस बार दे दिया है। और मैं अभी आपने देखा होगा पहली बार है कि सदन में जब बजट पर अभिभाषण दिया माने हमारे राज्यपाल ने उसमें तीन बार आया कि मत्स्य विभाग में जो है निषाद राज बोट योजना में हमारे लोगों ने इनको मकान देने में 14 करोड़ 60 लाख रुपए अभी निषाद राज के सांस्कृतिक भवन के लिए श्रृंगवेरपुर में दिया है। किसी भी समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षा चाहिए तो 14.5 करोड़ रुपया देकर हमारे समाज को हमारी पार्टी ने हमारी सरकार ने जो सम्मान दिया है निषाद राज के उस किले को जंगल से मंगल बनाने के लिए, इससे पहले भी 20 करोड़ 38 लाख रुपए उस पर निषाद राज के ऑडिटोरियम बनाने के लिए 56 फुट की भगवान राम और निषाद राज की भव्य मूर्ति श्रृंगवेरपुर धाम पर लगी हुई है, उसका उद्घाटन तैयार है जिसको देखना। विपक्ष के लोग कहते हैं कि राम नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो यूनेस्को डिपार्टमेंट वर्ल्ड लेवल की संस्था है, पुरातत्व विभाग संस्था है, रामायण के आधार पर श्रृंगवेरपुर का किला खुदाई हुआ है, तो जो बयानबाजी करने वाले विपक्ष के नेता हैं उन्हें मोतियाबिंद है, उन्हें जाना चाहिए श्रृंगवेरपुर जाकर देख ले कि वहाँ निषाद राम भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम के थे उसे खुदाई हुई है, उसे देखें, वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, बहुत बड़े किले हुए हैं, मुगलों अंग्रेजों ने उसे तोड़ा था। मैं इतने कहूँगा अपनी सरकार से अपील करूँगा कि जी जहाँ भगवान राम एक ऐसी जगह है कि जब भगवान राम आते वक्त गए थे उसके विकास के लिए हमारी सरकार उसे पर्यटक स्थल घोषित किया हुआ है, लेकिन जहाँ भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे, लेकिन जो देखिए मैं इतने कहूँगा कि प्रभु राम के हाथ बाल सखा थे निषाद राज, अगर त्रेता में उन्होंने गले लगाया था तो इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी ने गले लगाया। माननीय सदस्य समाप्त करें, समय का सीमा देख ले, पूरा हो जाने दीजिए। भगवान राम रात्रि समाप्त किए थे, जहाँ भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे वहाँ उनके सीने पर एक मस्जिद बनी हुई है। जिस तरीके से अयोध्या में मस्जिद हटी है, सरकार से अपील करूंगा कि वहाँ से भी हजार मस्जिद को हटाएगा और मिलकर हटाना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से ठीक नहीं है। जितने हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें अगर मस्जिद बना है तो मुस्लिम धर्म में लिखा हुआ है कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो मैं तो कहूंगा ऐसा गुनाह न करें और हर जगह से मस्जिद हटा ले। माननीय सदस्य समाप्त करें, समाप्त करें, बात समाप्त करूंगा। महोदय
70 साल से तो कभी इन लोगों ने नेता तो बना के लाए, पिछली सीट पर बैठा दिया, कभी बोलने नहीं दिया। बोलने का अवसर तो हमारी सरकार दे रही है, जनता का आवाज होने दीजिए। आज के दिन में माननीय दिसंबर की दिल्ली में आवाज उठा रहे थे कि परिभाषित किया जाए मझवार को, समाजवादी पार्टी के सारे सांसद दिल्ली में उस वॉकआउट कर दिए थे। यहाँ कहते हैं हम निषादों के साथ खड़े हैं, और जहाँ भाग लिखा जाता है वहाँ इनके ही सांसद भाग जाते हैं। इसीलिए हमारे समाज के लोगों ने कहा ऐसी सारी पार्टियों को गांव से भगा दो और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ला। आप समाप्त कर लें क्योंकि समय सीमा देख लीजिए, माननीय सर समाप्त कर लें। बस इतना कहूँगा कि मैं बहुत 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 कहूँगा कि इस बार के बजट में 70 साल में पहली बार है कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। कल उसका हमने शासनादेश जारी हो गया है, टाइम लगता थोड़ा सा प्रक्रियाधीन था और कल शासनादेश जारी हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों सदनों से मैं इतना कहूँगा, कोई मछुआरे का बेटा या बेटी या कोई भी बुजुर्ग हो, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ धीवर रैकवार बातंत रहा, आप लोगों ने कानून बना दिया था जो मछली मारे वही मछुआरा है। लेकिन माननीय योगी जी ने कह दिया नहीं, जो राजस्व संहिता 2016 के अनुसार मछुआरा है वो केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ है, वो वही मछुआरा है, दूसरा कोई नहीं है। आपकी सरकार ने तो हमारे यहाँ मछुआ पद हुआ करता था जिसमें मछली मारने जाल बिनने नाव और डूब के वहाँ काम करने वालों को उसको बंद करके उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया था। क्या मछली उर्दू पढ़ती है, क्या क्या निषाद उर्दू पढ़ती है क्या? माननीय सदस्य समाप्त कर ले, मैं ओम प्रकाश जी को बुला रहा हूँ, अब टाइम ज्यादा हो गया है, हमारी समय ज्यादा हो गया। आप बोले हमारी सरकार ने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है, 25 करोड़ 20 लाख रुपया पहली बार दिया है उनको पढ़ाने के लिए, उनके इलाज कराने के लिए, उनके मकान बनाने के लिए, उनके स्किल डेवलप करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके दैविक आपदा के लिए, हर क्षेत्रों में 12 तरह से उनको मदद करने का मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई। कल शासनादेश हो गया, आपके क्षेत्र में भी गरीब होंगे, झोपड़ी में होंगे, नदियों ने उजाड़ा था, मुगलों अंग्रेजों ने उजाड़ा था, उस पर रहम करिए ऐसी बिरादरी पर कि कम से कम उनके लिए भी आ जाए और हम उनके साथ समाप्त कर लें। ऐसे लोग समाप्त कर लें। बस इतना कहूँगा कि आज के दिन में सामूहिक दुर्घटना बीमा भी हमारे यहाँ है, मुख्यमंत्री संपदा योजना के नाम निषाद राज बोट योजना भी है। सामूहिक दुर्घटना बीमा में एक भी पैसा नहीं लगता है, किस फार्मर एप पर चले जाएं, हमारे यहाँ इलाज के लिए जिसका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होगा ऐसे मछुआरों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मछुआ कल्याण कोष से है। कुछ नहीं करना है, जो fisheries.up.gov.in पर जाएं सारी सहायता। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आप समाप्त कर लें, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे दूं कि भगवान प्रभु श्री राम के हाथ बाल सखा थे निषाद राज, उनका अगर श्रृंगवेरपुर में बन रहा है तो अयोध्या में भी निषाद राज अतिथि भवन के नाम से नाम है, और भगवान राम के साथ हमारे 7 ऋषियों में निषाद राज का भी समाप्त रहा है, तो अयोध्या आज चमक रही है। उसके लिए विशेष रूप से हमारे समाज का या देश के आस्था को केंद्र को बजट देके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से विकास किया है मैं बधाई देता हूँ अपनी पार्टी अपनी सरकार की तरफ से अपने क्षेत्र। धन्यवाद। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री द्वारा हिस्ट्री का अगर एग्जम्पशन हो जाता तो यही तोहफा जो है सभी हमारे श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, बाकी अगली बार अगले सत्र में हम लोग